जुलाई में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव के लिए तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव परिणामों के बाद माना जा रहा है कि अगला राष्ट्रपति एनडीए उम्मीदवार ही होगा, लेकिन विपक्षी पार्टियां सरकार के खिलाफ एकजुट होने का मन बना रही हैं। हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से दिल्ली में मुलाकात की थी, जिसके बाद से ही कयास लगाए जा रहे हैं कि विपक्षी पार्टियां एकजुट होकर अपना राष्ट्रपति उम्मीदवार खड़ा कर सकती हैं। राष्ट्रपति पद के लिए संयुक्त उम्मीदवार पर जेडीयू प्रवक्ता केसी त्यागी ने कहा, सारे विपक्षी दलों को एक साथ होकर भाजपा के खिलाफ संयुक्त उम्मीदवार उतारना चाहिए। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी विपक्ष की सबसे वरिष्ठ नेता हैं और उन्हें ही विपक्षी दल को एक मंच पर लाने की पहल करनी चाहिए। केसी त्यागी ने बताया कि नीतीश कुमार ने एनसीपी और लेफ्ट से भी राष्ट्रपति उम्मीदवार को लेकर बात की है। 2019 की तैयारी। यूपी में बीजेपी की रिकॉर्ड जीत के बाद ये तो तय है कि मौजूदा वक्त में कोई भी नेता और कोई भी पार्टी प्रधानमंत्री मोदी को टक्कर नहीं दे सकती। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इसी को ध्यान में रखकर राष्ट्रपति चुनाव के लिए विपक्ष को एकजुट करने में जुटे हैं। सूत्रों की माने तो नीतीश राष्ट्रपति चुनाव में बनने वाले गठबंधन के जरिए 2019 में प्रधानमंत्री पद को साधना चाहते हैं। एनडीए का राष्ट्रपति बनने की ज्यादा संभावना। बीजेपी की लोकसभा में मजबूत स्थिति और 16 राज्यों में सरकार होने के कारण एनडीए उम्मीदवार के राष्ट्रपति बनने की संभावना विपक्षी उम्मीदवार से कई ज्यादा है। अगर विपक्षी उम्मीदवार को राष्ट्रपति चुनाव जीतना है तो विपक्षी पार्टियों को लगभग हर दल को साधना होगा, जबकि बीजेपी को इसके लिए 2 या 3 क्षेत्रीय दलों का ही समर्थन चाहिए होगा। NMF न्यूज की रिपोर्ट।